परीलोक में विशाखा नाम की रानी परी अपनी बेटी शालू के साथ रहती थी। शालू दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि उसका कद बहुत ही छोटा था, जिस वजह से परीलोक की सारी परियां उसका मजाक उड़ाती थी और उस पर हंसती थी। एक बार कुछ परियां बगीचे में आम तोड़ रही थी, तभी वहां पर शालू परी भी पहुंच जाती है और कहती है, अरे तुम सब आम तोड़ रही हो क्या? मेरा भी आम खाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे भी एक आम दो ना। अच्छा तुम्हें आम खाना है, तो एक काम करो, इस पेड़ से खुद ही तोड़ लो और एक आध आम हमें भी तोड़ कर दे देना। इतना बोलकर सभी परियां शालू परी पर जोर जोर से हंसने लगती है। शालू परी उदास होकर वहां से चली जाती है। इसी तरह वक्त के साथ अब शालू परी बड़ी हो जाती है। शालू परी अब शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन परी महल में परियों का स्वयंवर चल रहा था, तभी शालू परी भी स्वयंवर में पहुंच जाती है। स्वयंवर में आई सभी परियां जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ओ नाटी परी, यहाँ परियों का स्वयंवर चल रहा है, बच्चों का नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरी भी उम्र शादी लायक हो चुकी है, इसलिए मैं स्वयंवर में आई हूँ। अच्छा जी, शादी की इतनी जल्दी है? पर ये तो देखो, तुमसे शादी करेगा कौन, तुमको तो अपनी ही तरफ बोने लड़के ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर परियां शालू परी पर बहुत हंसती है। तभी वहां पर रानी परी आ जाती है और गुस्से से स्वयंवर में आई परियों से कहती है, मैं कहती हूँ तुम सब चुप हो जाओ, इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। शालू परी बहुत ही समझदार और शक्तिशाली परी है। मेरी बच्ची तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे और होनहार राजकुमार से करवाऊंगी। रानी परी की ये बात सुनकर शालू परी खुश हो जाती है, लेकिन बाकी की परियां चिढ़ जाती है। फिर कुछ समय बाद रानी परी शालू परी की शादी आर्य नाम के राजकुमार के साथ कर देती है। राजकुमार मीठी मीठी बातें करके रानी परी का दिल जीत कर शालू परी से शादी तो कर लेता है, परंतु राजकुमार को शालू परी छोटे कद के कारण बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आर्यन एक बहुत ही घमंडी और बुरा लड़का था। शालू, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। अरे अपने आप को देखो जरा, तुम कितनी बोनी हो और मुझे देखो, मैं कितना लंबा और स्मार्ट हूँ। मैंने सिर्फ रानी परी की वजह से तुमसे शादी की है, उनके लिए तुम मेरी पत्नी हो सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ इस महल की नौकरानी हो। आर्यन शालू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो शालू से अपने महल का सारा काम करवाता था और छोटी मोटी गलतियां होने पर उसे बहुत मारता भी था। एक दिन आर्यन तैयार होकर कहीं जा रहा था, तभी वहाँ पर शालू परी आती है और कहती है, सुनिए कहीं जा रहे हैं क्या आप? हाँ, मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मैं उसके जन्मदिन पार्टी में जा रहा हूँ। अच्छा सुनिए, मुझे भी पार्टी में गए बहुत समय हो गया है और इस महल में अकेले रह रहकर मैं बोर हो गई हूँ, मेरा भी पार्टी में जाने का मन है, मुझे भी साथ ले चलिए। अरे पागल है क्या तू? तू जैसी बोनी को यदि मेरे दोस्तों ने मेरे साथ देख लिया तो पता है वो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। जा यहाँ से और अपने काम पर ध्यान दे, और हाँ बार बार मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत किया कर, समझी? इतना कहकर आर्यन वहाँ से चला जाता है। इसी तरह काफी समय गुजर जाता है। आर्यन अक्सर पृथ्वी लोक पर घूमने जाया करता था। उसे पृथ्वी लोक पर ज्योति नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है। ज्योति दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और साथ ही साथ वो लंबी भी थी। ज्योति धीरे धीरे आर्यन को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है, क्योंकि ज्योति धोखेबाज और लालची लड़की थी। वो अक्सर आर्यन से पैसे लूटते रहती थी। आर्यन अपने जादू से ज्योति को बहुत सारे पैसे और धन दौलत दिया करता था। देखो ज्योति, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करके मैं तुम्हें परीलोक ले जाऊंगा और वहाँ तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। ये सुनकर ज्योति अपने मन में खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, परीलोक में तो बहुत सारी धन दौलत होगी, वहाँ तो मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। अरे ज्योति बेबी, तुम कहाँ खो गई? कहीं नहीं बेबी, वहाँ तुम्हें हर चीज की सुविधा मिलेगी, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी, मैं तुम्हें वहाँ रानी बनाकर रखूंगा। आर्यन, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर मैं इस बारे में एक बार अपनी माँ से बात कर लूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है ज्योति, तुम अपनी माँ से बात करो, मैं चलता हूँ, जैसा हो मुझे बता देना। इतना कहकर आर्यन वहाँ से परीलोक चला जाता है
और ज्योति अपने घर आ जाती है। घर पर उसकी माँ रहती थी। उसकी माँ भी बहुत लालची और दुष्ट औरत थी। अरे माँ, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बार बार मुझसे जिद कर रहा है कि मुझसे शादी कर लो। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? अरे बेटी, अब हम कब तक थोड़े थोड़े धन दौलत से काम चलाएंगे? अब समय आ गया है कि हम कोई बड़ा हाथ मारे। वो तो ठीक है माँ, लेकिन अब आगे करना क्या है? मैंने सुना है बेटी कि परियों और राजकुमार के दिल के अंदर एक मणि होती है। उस मणि से जो कुछ भी मांगो वो उसी वक्त मिल जाता है। क्या सच में माँ ऐसा होता है? हाँ बेटी, ऐसा सच में होता है। एक काम करो, उसे किसी दिन अपने घर पर बुलाओ, फिर हम दोनों मिलकर उसे मार डालेंगे और उसके अंदर का दिल निकाल कर उसमें से मणि निकाल लेंगे। अरे वाह माँ, क्या दिमाग लगाया है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और फिर ज्योति आर्यन को फोन लगाती है। उस दिन आर्यन अपना फोन घर पर ही भूल जाता है। अरे लगता है आज ही अपना फोन घर पर ही भूल गए। कोई बार बार इन्हें फोन कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। शालू आर्यन का फोन उठा लेती है। अरे डार्लिंग, इतना टाइम लगता है क्या फोन उठाने में? अच्छा सुनो मेरी बात, माँ हमारी शादी के लिए मान गई है। तुम आज शाम को मेरे घर आ जाना, ठीक है? और लेट मत करना। बाय बेबी। ये सारी बातें सुनकर शालू बहुत दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ आर्यन आ जाता है और फिर शालू आर्यन से पूछती है, सुनिए जी, ये ज्योति कौन है और आपका क्या चल रहा है उसके साथ? बकवास बंद कर अपनी, मुझसे ज्यादा फालतू जबान मत चलाया करो। मैं चाहे कुछ भी करूं तो मैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये बार बार मुझ पर पत्नी वाला हक मत जताया करो। इतना बोलकर आर्यन अपना फोन लेकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और शाम को ज्योति के घर पर उसकी माँ से मिलने चला जाता है। तभी ज्योति और उसकी माँ आर्यन को बंदी बना लेती हैं और आर्यन की जादुई छड़ी भी उसे छीन लेते हैं। अरे ज्योति, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम दोनों माँ बेटी ये मेरे साथ क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, खोलो मेरा हाथ। ज्योति हंसते हुए कहती है, अबे उल्लू के पट्टे, मैं तेरे से कोई प्रेम रेम नहीं करती। तू तो बस मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अपनी शक्ल देख पहले, बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। हाँ सुन मूर्ख राजकुमार, हम तुझे यहाँ पर एक प्लान के साथ बुलाए हैं। हम तुझे मार कर तेरे दिल में जो मणि है उसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम दोनों माँ बेटी इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली और अमीर बन जाएंगे। नहीं, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी पत्नी सालू है। वो जैसी भी है पर मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा इतना ख्याल भी रखती है, पर मैं कभी उसे समझ नहीं पाया। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। दोनों माँ बेटी मिलकर आर्यन को मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर शालू परी आ जाती है और कहती है, मेरे पति को छोड़ दो वरना तुम दोनों माँ बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा। शालू परी को देखकर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। अरे माँ ये देखो, बोनी परी आई है। लगता है ये इस राजकुमार की पत्नी है। ए बोनी परी, चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरे पति के साथ साथ हम तुझे भी मार डालेंगे। अरे बेटी, ये क्या बोलते जा रही है तू? एक काम करते हैं, इसे भी पकड़ लेती है, फिर दोनों को मार कर दो दो मणि मिल जाएगी हमें। अरे हाँ माँ, तुम सही कहती हो, चलो इसे भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी शालू परी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन शालू परी उनके हाथ नहीं आती। वो जैसे ही शालू परी को पकड़ने आगे बढ़ती है, शालू परी वहाँ से गायब हो जाती है और गायब होकर उन दोनों माँ बेटी को थप्पड़ बजाती है। ऐसे ही बार बार करने लगती है। दुखी होकर ज्योति कहती है, अरे बस करो, हमें इतना परेशान मत करो वरना हम तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। लो आ गई सामने, आओ सामना करो मेरा। दोनों माँ बेटी शालू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही शालू परी दोनों माँ बेटी का हाथ मोड़ देती है। आह, छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़। शालू, इन्हें और मजा चखाओ, ये दोनों माँ बेटी लालची और धोखेबाज हैं। शालू उन दोनों माँ बेटी की डंडे से बहुत पिटाई करती है और उन दोनों माँ बेटी को रस्सियों से बांध देती है और अपने पति को अपने जादुई छड़ी से उनके चंगुल से आजाद कर देती है। हमें माफ कर दो, छोड़ दो हमें। ऐसे कैसे, तुम्हें सजा मिलना बहुत जरूरी है।
उसके बाद शालू परी उन दोनों माँ बेटी को परीलोक ले जाती है और रानी परी को उन दोनों माँ बेटी के बारे में सारी बातें बताती है। ये सुनकर रानी परी कहती है, सिपाहियों इन दोनों को कारावास में डाल दिया जाए। उसके बाद दोनों माँ बेटी सारी जिंदगी परीलोक के कारावास में बिताते हैं। आर्यन अपनी पत्नी शालू से कहता है, शालू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं जी, मैंने आपको दिल से अपना पति माना और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पति की हमेशा रक्षा करूं। तभी महल में परीलोक की जादूगरनी आती है। शालू बेटा, अब तुम्हें अपने छोटे कद के कारण शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक जादुई लहंगा बनवाया है, इसे पहनकर तुम लंबी हो जाओगी। उसके बाद जादूगरनी अपने मंत्रों द्वारा बनाया गया जादुई लहंगा शालू परी को दे देती है, जिसे पहनकर शालू परी भी और परियों की तरह लंबी हो जाती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और नई मजेदार कहानियाँ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।